हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरोज आ गया हूँ आज एक और नया वीडियो लेकर के, तो जिस पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट में सिंगल स्पीड MTB साइकिल। तो साइकिल तो आप लोग देख करके समझ ही गए होंगे, कार्टून पे लिखा हुआ है रैले का। तो चलिए बाकी देख लेते हैं। जैसे कि रैले मॉडल है रैपिडो सिंगल स्पीड, फ्रेम है आपका एलॉय 29 इंच पे आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए साइकिल को जो है निकाल लेते हैं कार्टून के अंदर से। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना इस तरीका से पैकेजिंग में आता है ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। यह है अपना एसेसरीज वाला बॉक्स जिसके अंदर सारा सीट पोस्ट हैडल वगैरह रहता है। तो चलिए साइकिल को जो है अपना निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना साइकिल जो है इस तरीका से जिप टाई के मदद से और रैपिंग के मदद से यहाँ पैक किया हुआ रहता है ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे कहीं पर भी। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी में मैंने इसे असेंबलिंग भी दिखाया है और स्पीक भर भर के जो फीचर्स दिया हुआ है, क्या क्या फीचर्स है यह भी मैंने इस पर दिखाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग जो है कि जीप टाई वगैरह सारा कुछ खोल लेते हैं और रैपिंग वगैरह खोल लेते हैं ताकि अपना यहाँ काम करने पर आसानी हो। और आप लोग भी अगर ऑनलाइन से मंगाते हैं तो ये कार्टून वगैरह सारा कुछ खोल दीजिएगा। बहुत कोई होता है कि कार्टून वगैरह नहीं खोलते हैं, नया लगे साइकिल, ये नया क्या पुराना बहुत ज़्यादा कर देगा, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉइस्चर के कारण पूरा एकदम पेंट वगैरह सारा कुछ उखड़ जाएगा। तो चलिए जो एसेसरीज वाला कार्टून है उसके अंदर से क्या क्या निकलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना निकला है जितना रिफ्लेक्टर का है पॉलीथीन के अंदर, सारा कुछ स्पोक रिफ्लेक्टर और हैंडल पे रहता है, टेल पे रहता है। तो यहाँ पे अपना स्टैंड भी निकल चुका है, स्टैंड भी अपना ऊपर का पार्ट थोड़ा सा मेटल का है और नीचे का पार्ट एलॉय का है। एक पेयर पैडल भी निकला है, एक सैडल भी निकला है। क्या कितना अच्छा क्वालिटी में है क्या सारा कुछ, मैं इस पर बाद में दिखाया हुआ हूँ, तो इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि पैडल आपका कौन सा क्वालिटी में है क्या है। स्टैंड के लिए दो बोल्ट भी मिला था तो इसको मैं इधर लगा के रख देता हूँ अभी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पैडल जो है PVC पैडल के अंदर आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आया हुआ है। और सीट पोस्ट जो है यहाँ एलॉय का आपको मिल जाएगा। स्टैंड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऊपर का पार्ट मेटल का है, नीचे का एलॉय का है। और रिफ्लेक्टर का पॉलिथीन के अंदर जो है क्या क्या रिफ्लेक्टर निकला हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका चार आपका स्पोक रिफ्लेक्टर यहाँ मिला हुआ है, दो सामने के लिए दो पीछे के लिए। यहाँ आपको PVC लॉक भी मिल जाएगा रिफ्लेक्टर को लगाने के लिए। यहाँ पे आपका टेल रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा और सामने का भी आपको मिल जाएगा, फ्रंट का भी है और रियर का भी है। तो इसका होल्डर आपको अलग से रहता है, तो इस तरीका से आप लोगों को अटैच कर लेना है रिफ्लेक्टर के संग। और रिफ्लेक्टर लगाने के लिए दो स्क्रू भी आपको मिल जाता है। सैडल को भी यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप अंदर पे आपको PVC मटेरियल में और ऊपर से एकदम अच्छा बढ़िया कुशन के साथ आपको यहाँ सैडल मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अब साइकिल को जो है असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ स्टेम पे चार बोल्ट होगा, 4 mm एलिंकी बोल्ट, तो यहाँ पे आप लोग उसको खोल लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद हैंडल बार को यहाँ लगाना है। और बोल्ट लगाने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ और दूसरा वीडियो पे, जैसे कि हम लोग एक नंबर लगाएंगे तो उसके बाद हम लोग सीधा 3 नंबर पे लगाएंगे, फिर यहाँ 2 नंबर पे लगाएंगे तो सीधा 4 नंबर पे लगाएंगे। तो इसी हिसाब से जैसे कि दिखाएं हम देख लीजिए। टाइट करते वक्त जैसे कि 2 नंबर सबसे पहले हम लोग टाइट कर रहे हैं,
हम लोग 3 नंबर पर चले गए। उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। तो इसी जिगजैग पैटर्न से यहाँ टाइट होगा ताकि स्टेम बहुत ही अच्छा तरीका से टाइट हो जाए और कहीं से टूटे फूटे ना। तो यहाँ अपना हैंडल जो है सेट हो चुका है। अब फ्रंट व्हील लगाने के लिए हम लोगों को क्विक रिलीज जो मिला हुआ था, क्विक रिलीज को हम लोग बैठा लेंगे। तो क्विक रिलीज बैठाने के लिए जैसे कि मोटा साइड स्प्रिंग का, ये सबसे पहले जाएगा। उसके बाद एक्सल के अंदर जाएगा क्विक रिलीज रॉड। फिर एक्सेल साइड जो अपना है पतला मुंह जाएगा और मोटा मुंह के साइड पे नट रहेगा। फिर 203 थ्रेड लगाएंगे। उसके बाद फिर व्हील को बैठा लेंगे आराम से बढ़िया तरीका से। व्हील को बैठा लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्विक रिलीज को घुमाते हुए टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बढ़िया तरीके से, जैसे कि यहाँ हल्का मैं लॉक करूँगा। उसके बाद फिर व्हील को एडजस्ट करूँगा हाथों से, अपना हाथों से एडजस्ट करूँगा सीधा देखने के बाद, फिर जो है पूरा क्विक रिलीज को लॉक करूँगा। फिर अपना स्टैंड को जो है लगा लूँगा 5 mm एलिंकी बोल्ट से, यहाँ लगा हुआ है। फिर स्टैंड को एलिंकी बोल्ट से लगाने के बाद फिर हम लोग जो है एलिंकी से अपना यहाँ टाइट कर लेंगे। फिर पैडल देखेंगे लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट साइड क्रैंक साइड होता है, क्रैंक साइड पे अपना लेफ्ट वाला पैडल ही जाएगा। तो उस पर एल लिखा हुआ रहेगा, उसको लेफ्ट साइड घुमाते हुए टाइट करना है। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ टाइट कर ले रहे हैं हम बढ़िया तरीके से। हाँ, राइट साइड पे अपना चेन व्हील साइड पे अपना राइट साइड वाला पेडल बैठेगा। तो इसको अगर हम लोग रेंच बैठा के पीछे के साइड घुमाएंगे तो अपना यहाँ टाइट हो जाएगा पेडल। तो देख सकते हैं यहाँ अपना पेडल टाइट हो चुका है। तो सीट केचर पे ज़रूर से तेल दीजिएगा एक एक बूंद, ताकि अपना बढ़िया से केचर एडजस्ट हो करके बढ़िया तरीका से टाइट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ 15 नंबर रेंच से अपना यहाँ टाइट हो रहा है। उसके बाद अपना टेल रिफ्लेक्टर को अपना बैठा लेंगे, फिर सीट पोस्ट को अटैच करेंगे और क्विक रिलीज के मदद से यहाँ सीट को भी अपना टाइट कर लेंगे। फिर बाकी केचर को जितना है बढ़िया तरीका से यहाँ टाइट कर लेंगे। फिर फ्रंट रिफ्लेक्टर को भी यहाँ बैठा लेंगे हम लोग और स्क्रू के मदद से टाइट कर लेंगे, और लगते ही यहाँ पीछे भी अपना टाइट कर लेंगे। फिर जो है ब्रेक हम लोग एडजस्ट यहाँ कर लेंगे सामने वाला, और पीछे वाला का ब्रेक एडजस्ट करने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि अपना लगा हुआ था, इसीलिए एडजस्ट ही था। सामने के यहाँ एडजस्ट कर लिए, व्हील घुमा के चेक कर लिए, अपना साइकिल जो है रेडी हो चुका है। अब सिर्फ रिफ्लेक्टर लगाने का बारी। तो देख सकते हैं यहाँ रिफ्लेक्टर जो है इस तरीका से लगता है, सिर्फ आपको लॉक लगा के प्रेस करना है, अपना लॉक हो जाएगा। तो चलिए यहां अपना साइकिल पर हवा डाल लेते हैं चक्का पे। तो अपने यहाँ ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं साइकिल का फाइनल लुक।
तो चलिए अब देख लेते हैं साइकिल पर क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि सामने से आप लोग देख ही सकते हैं साइकिल जो है फुली एलॉय फ्रेम के साथ है। तो सस्पेंशन से यहाँ शुरू करते हैं। सस्पेंशन आपको कॉयल सस्पेंशन आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस साइड पे आपका नॉर्मली कैप होगा और दूसरे साइड पे आपको मिल जाएगा प्रीलोडेड वाली ऑप्शन। प्रीलोड जैसे कि बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और नीचे वाला अपना कैप से ही कैप जो है रेंज से ही खुलेगा। सस्पेंशन जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैनेडा की तरफ से यहाँ टायर आपको मिल जाता है और यहाँ 29 इंचेस पे आपको व्हील साइज मिल जाता है और डबल वॉल एलॉय का रिम आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ आपको हैंडल बार जो है बहुत ही चौड़ा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही वाइड है, और ग्रिप जो है बहुत ही सॉफ्ट में आपको ग्रिप यहाँ हैंडल ग्रिप आपको मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट मिलेगा। देख ही सकते हैं कितना नरम है। और यहाँ आपको हैंडल स्टेम जो है ये भी आपको पूरा एलॉय का ही मिलेगा। इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका एलॉय यूज़ हुआ है। और पैडल तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पीवीसी वाला पैडल आपको यहाँ मिल जाता है रिफ्लेक्टर के संग। और चेन व्हील आपको यहाँ मिल जाता है 44 टीथ का। चेन भी यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिल जाएगा। और इस पर आप लोग अगर अलग से गियर माउंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग करा सकते हैं, फ्रेम पे ही आपका जगह दिया हुआ है डिडलर बैठाने के लिए। तो यहाँ सामने आपको क्विक रिलीज मिल जाता है, कहीं आप लोग घूमने के लिए जाते हैं तो कार के डिक्की वगैरह में आराम से साइकिल जो है फिट हो जाता है। तो यहाँ आपको खुद से एडजस्ट करने के लिए क्विक रिलीज यहाँ भी मिल जाता है सीट पर। और आपको डुअल डिस्क ब्रेक यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप लोग सामने पे देख सकते हैं और यहाँ पीछे पर भी है। सारा कुछ जो है रैले यहाँ प्रोवाइड कराता है आपको, कैलिपर रोटर वगैरह सारा कुछ रैले कंपनी की तरफ से ही आपको मिलेगा। और अगर आप लोग डिस्क ब्रेक छोड़ा करके इन फ्यूचर अगर वी ब्रेक यहाँ पर बैठाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका जगह बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं सामने पर भी दिया हुआ है। इस तरीका का अगर वी ब्रेक आप लोग बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि साइकिल से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे।